हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग की तरफ से परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सैलरी जो है लेवल 7 के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि 45,000 से लेकर 65,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। कोई भी जो है 12th पास कैंडिडेट, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट, पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट रहने वाली है, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे कुछ पोस्ट के लिए। इसमें जो है बिना परीक्षा के आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये तीनों ही PDF फाइल अलग अलग दी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद कैसे जो है अप्लाई करना है ये सारा प्रोसेस हम जानेंगे। सेंट्रल फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है ये। 15A सेक्टर 7 द्वारिका न्यू दिल्ली जो है आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। यहां पर देखें क्लोजिंग डेट जो है 28 अक्टूबर 2024 है, ज़्यादा समय नहीं है। रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही जो है आप लोग भेजेंगे अगर आप लोगों को आवेदन करना है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो 4 दिन में जो है स्पीड पोस्ट अगर आप करते हैं तो बिल्कुल पहुंच जाता है। वैकेंसी जो है ग्रुप बी और सी पोस्ट के अंतर्गत है। यहाँ पर जो है नेम ऑफ द पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, पोस्ट रिजर्व फॉर कैटेगरी वाइज, पे लेवल एज पर 7 CPC। तो इसमें सैलरी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग। एज जो है इसमें किसी में 35 है, किसी में 30 ईयर है, वो हम अभी देख लेंगे। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कोई अनुभव नहीं चाहिए, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है, और कुछ पोस्ट जिनमें अनुभव मांगा जा रहा है। तो जिनमें कोई भी अनुभव नहीं मांगा जा रहा है पहले उनको जो है कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, तो इसमें जो है 2 वैकेंसी हैं, एक UR की और एक OBC की। पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी है, 30 ईयर जो है इसमें अधिकतम उम्र है, 12th के साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर में भी जो है आपकी स्पीड यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की 6 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 सामान्य कैटेगरी की, OBC की 1 है, SC की 1 है, EWS की 1 है। अगर आप किसी भी कैटेगरी जो भी रिजर्व कैटेगरी है उससे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आयु में जो है यहाँ छूट मिलने वाली है। पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी रहेगी। अप टू 30 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन इसमें भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह ही मांगा गया है। अकाउंट क्लर्क की 2 वैकेंसी हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी है। तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है, और बस ग्रेजुएशन मांगी गई है, ठीक है। 1 साल का अगर आपके पास अनुभव है अकाउंट फाइनेंस का, कैश इन रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन का, तो ठीक है, नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट क्लर्क के लिए। नेक्स्ट देखें हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग, 30 ईयर, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या कही गई है, तो मास्टर डिग्री जो है आपका अगर हिंदी से आपने किया है और इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश से किया है और हिंदी आपने कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है डिग्री लेवल पर, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर आपने हिंदी या इंग्लिश किसी में भी किया है हिंदी मीडियम के साथ में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश आपने जो है ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। ऐसे ही जो है यहाँ पर अगर आपने हिंदी या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया है और इंग्लिश मीडियम में है अगर आप, और हिंदी आपका जो है पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंतर्गत, तो मास्टर डिग्री आपका हिंदी या इंग्लिश किसी में भी होना चाहिए। इसमें जो है सैलरी आपको बता दी, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग, 1 अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 OBC की है। इसमें जो है आपके पास स्नातक होना चाहिए, कितनी परसेंटेज है वो कोई मैटर नहीं करता, बस स्नातक आपका कंप्लीट हो, डिप्लोमा इन क्राफ्ट आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने देखा तो बिना अनुभव के आप अप्लाई कर सकते थे यहाँ पर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर के लिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, अकाउंट क्लर्क के लिए, लोअर डिवीज़न के लिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस जो मांगा गया है उनका हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, सैलरी काफ़ी अच्छी इसमें भी रहेगी।
पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है डिग्री आपके पास हो, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया है, 1 साल का अनुभव जरूर होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। वीडियो एडिटर की एक वैकेंसी है, तो इसमें जो है डिग्री इन फिल्म एडिटिंग में और 2 साल के अनुभव के साथ में इस फील्ड में। उसके बाद जो है कॉपी एडिटर इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश की एक वैकेंसी है और हिंदी की भी एक वैकेंसी है। इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी आप लोगों की, बेसिक पे ही जो है 45,000 आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है, तो पोस्ट ग्रेजुएट आप हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए। डिप्लोमा जो है आपके पास जर्नलिज्म या एडिटिंग का होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 2 साल का अनुभव आपका एडिटिंग ऑफ जर्नल्स एंड बुक्स में हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी है, इसमें भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग। अभी जो है इसमें उम्र 35 ईयर है, ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, 2 साल का आपका अनुभव मांग रहे हैं अकाउंट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का। अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है, तो ये जो है 4 हैं वैकेंसी, 35 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 3 अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 ओबीसी की है। इसमें डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 3 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए कैश अकाउंट्स का एंड बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस या PSU या कोई भी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। चलिए अब जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस भी जो है दिए गए हैं, इनको आप जो है पढ़ेंगे अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं। ऑफलाइन मोड में आप लोगों को भेजना है, स्पीड पोस्ट ही जो है आप लोगों को करना होगा क्योंकि 6 दिन ही इसमें बाकी है। तो एनवलप के ऊपर जो है जो एड्रेस आप लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख देंगे और ये एड्रेस रहेगा डायरेक्टर CCRT प्लॉट नंबर 15A Sector 7 द्वारिका न्यू दिल्ली 11075, ठीक है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ही करें। फिलहाल इसमें कोई भी जो है परीक्षा नहीं है, बिना परीक्षा के ही जो है यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। उम्र मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी जो है यहाँ पर आयु सीमा में छूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग रहेंगे जो भी आरक्षित वर्ग हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर अभी जो है उन्हीं कि जो है अब अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो है रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू जो है लिया जा सकता है। फिलहाल जो है इसमें कोई भी परीक्षा नहीं है, हो सकता है इंटरव्यू के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा वो आप लोगों को बता देते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप जरूर पढ़िए, पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस भी दी गई है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 रुपीज़ है, SC ST PWED की 250 है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है और इसकी रिसिप्ट जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के साथ में भेजना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन CCRT ये लिखा मिलेगा। अभी जो है आपको बता दूंगी, ये लिखा मिलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म 1 नंबर पर है, 2nd नंबर पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, 3rd नंबर पर डिटेल में एडवर्टीजमेंट है, 4 नंबर पर इंग्लिश में है और 5th नंबर पर हिंदी में है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका होम पेज है और यहाँ पर ये देखिए मिशन मोड रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन CCRT, ठीक है। लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।